अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कब ट्रंप किम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और कब ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है किसी को नहीं पता। ट्रंप भी कभी किम की आलोचना करते हैं तो कभी कभी उनके मुरीद बन जाते हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का उत्तर कोरिया दौरा रद्द कराने के बाद आज उन्होंने किम की ना सिर्फ तारीफ की बल्कि उनके साथ बेहतर रिश्तों की प्रतिबद्धता दिखाई है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का उत्तर कोरिया दौरा यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि जब तक किम जोंग परमाणु परीक्षण पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। उत्तर कोरिया की तरफ से परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस बयान के बाद दोनों देशों में एक बार फिर तल्खियां नजर आने लगी थीं, लेकिन अब एक बार फिर दोनों दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। जी हां, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र भेजा है, जिसे लेकर आज ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि किम जोंग उन की ओर से एक निजी पत्र मुझे भेजा जा रहा है। मुझे उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से सकारात्मक पत्र मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किम की ओर से पत्र कल सीमा पर सौंप दिया गया। यह वास्तव में बेहतर तरीका है और मुझे लगता है कि यह पत्र सकारात्मक ही होगा। माइक पोम्पियो मुझे यह पत्र देंगे। इससे पहले ट्वीट कर भी उन्होंने किम की तारीफ की थी। किम के कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता पर ट्रंप ने लिखा था कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने राष्ट्रपति ट्रंप में अडिग विश्वास जताया है। धन्यवाद चेयरमैन किंग, हम साथ मिलकर ये करेंगे। ट्रंप की इस तारीफ के बाद माना जा रहा है कि ये दोस्ती लंबी चलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।